वेलकम टू श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल आजमगढ़। बेटा हम लोग जो आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट करने चल रहे हैं। और क्लास 11th की फिजिक्स में एक नई टॉपिक है। अगर वो पुरानी टॉपिक में या सेकेंड चैप्टर में प्रॉपर्टी ऑफ फ्लुइड्स में अगर कोई टॉपिक बचे रखी है 102 टॉपिक, तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा या फिर ऑफलाइन क्लासेस चलेंगे उस पर भी बता दूंगा। अगर आपका डिमांड होगा सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जो भी टॉपिक उसमें आपका एक दो टॉपिक रहेगा वो। आज हम लोग का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, वो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का टॉपिक है, चैप्टर है, जो भी मानेंगे। एक्चुअली एक वो पूरी बुक ही होती है बेटा, इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर क्या नाम है बेटा? थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ही आता होगा कि एक्चुअली सर थर्मोडायनेमिक्स है क्या, या साइंस अगर साइंस है या साइंस का एक पार्ट है तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो डेली लाइफ से यूज होता है। तो देखिएगा, ये दो टर्म्स हैं इसमें, थर्मो और एक है बेटा डायनामिक। देखो बेटा, थर्मो मीन्स होता है हीट। हीट हीट क्या होता है? एक टाइप का एनर्जी। हीट मतलब समझिएगा गर्म, या सोचिए हीट एक क्या है? एक एनर्जी। और डायनामिक मतलब होता है मोशन। क्या होता है? मोशन। मतलब मोशन किसका बेटा? अगर हीट का मोशन हो, मोशन ऑफ हीट हो, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? तो वो कैटेगरी में आएगा थर्मोडायनेमिक्स के। इस चैप्टर में जितने भी हम लोग टॉपिक या जितने भी चीज कवर करेंगे उसमें हीट कहीं आपका एक प्लेस पे नहीं। क्या होगा हीट आपका? क्या होगा बेटा? मोशन में होगा, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाएगा। क्या इसका थोड़ा समझते हो? थोड़ा का मतलब ये होता है कि मोशन ऑफ हीट मतलब क्या? हीट एक्सचेंज होगा या ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ये जान लीजिएगा। हीट ट्रांसफर होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके ललन है, ठीक है, और ये आपका चुन्नू है, ये चुन्नू है, ये चुन्नू है, दोनों लोग अपना हैंड मिला लिए, ये हाथ, ये दोनों लोग अपना हाथ मिलाए। इस ललन का टेम्परेचर जो था बेटा 40 डिग्री सी था, और वहीं चुन्नू का टेम्परेचर 60 डिग्री सी था। टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर अलग अलग है। जैसे ये लोग हाथ मिलाएंगे, एक ललन चुन्नू से, चुन्नू ललन से जैसे हाथ मिलाएंगे, हीट मोशन में आ जाएगा। मोशन में आने का मतलब क्या होगा? कि जो हाई टेम्परेचर वाला चुन्नू है वो अपनी हीट किसको दे देगा बेटा? लो टेम्परेचर वाले ललन को। क्योंकि अगर कहीं पर भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो खट से जो हीट होगा वो मोशन में हो जाएगा। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसी चीज को यहां पे डील्स करेंगे, उस चीज को पढ़ेंगे कि जब हमारा हीट क्या होगा बेटा? ट्रांसफर हो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, या वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे इसमें देखिए, ललन 40 डिग्री सी पे थे और चुन्नू हमारा 60 डिग्री सी पे थे, तो सारी जो हीट आएगी वो हीट होगी वो मोशन में होगी। कहां से? चुन्नू से ललन की तरफ। या सारा टेम्परेचर जो टेम्परेचर इसका है वो किस में चलाएगा? ललन का। और कुछ टाइम बाद ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, मतलब सेम टेम्परेचर दोनों का हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे आप ठंडक में क्या होता है, किससे से हाथ मिलाते हो, उसका हाथ अगर गर्म रहता है तो आपको कंफर्ट फील होता है। क्यों फील्ड होता है? क्योंकि जो उसका हीट होता है वो मोशन में आ जाता है और हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, तो उसकी सारी हीट जो होगी गर्म वाले आदमी का वो हमारे अंदर आ जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा। तो इसके मतलब हीट का मोशन हो रहा है, तो वो किस में डील्स करेंगे, किस पे पढ़ेंगे? वो पढ़ रखेंगे बेटा हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि अगर हीट मोशन में है तो वो इसी के रिलेटेड में आएगा, या साइंस के वो ब्रांच का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स साइंस का एक ब्रांच है बेटा, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि इसमें मोशन ऑफ हीट, हीट के मोशंस को स्टडी करते हैं। जैसे देखिए, लल्लन हमारे 40 और चुन्नू 60 डिग्री पे थे, तो जैसे ही हाथ मिलाएंगे हमारी हीट जो होगी वो चुन्नू से लल्लन की तरफ फ्लो होगी। और हीट हमेशा जो फ्लो होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हमेशा। उसके लिए कोई एक्सटर्नल वर्क की जरूरत नहीं पड़ती, कोई मशीन नहीं लगानी पड़ती, बस आप बॉडी टच कर दीजिए, बस मेरे को समझ रहे हैं। तो आपको क्या हो जाएगा? हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। अभी कन्वेक्शन आएगा तो उसमें बिना टच के भी हीट ट्रांसफर होता है, लेकिन आपका हीट हमेशा ट्रांसफर होगा आपका हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मतलब जो ज़्यादा गर्म होगा वो ठंडे की तरफ भागेगा। ये जान ली क्या? हीट 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 हीट, ठीक है। तो ये टॉपिक आई होप आपको कन्फर्म हुई होगी कि एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। थर्मोडायनेमिक्स क्या? साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हीट मोशंस में होता है, हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। हीट मतलब एक एनर्जी, यहाँ हीट का मतलब टेम्परेचर समझिएगा, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा।
उसके बाद इसमें कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको देख लेते हैं. सम इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको देख लेते हैं बेटा. सम इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं. देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स में एक नाम आता है बेटा, देखिएगा. ये बेटा घर है, इसके अंदर लल्लन है. ये लल्लन है, लल्लन अंदर एकदम बेहतरीन बेड रेस्ट कर रहे हैं. और लल्लन का ये सब क्या है बेटा, ये सब इनकी दीवार है. ठीक है, ये ब्रिक्स की बनी हुई इनकी दीवार है, चारों तरफ से पैक है. लल्लन यही दरवाजा वरवाजा होगा, विंडो, उसी से अंदर घुस गए लल्लन. और लल्लन घुस के रेस्ट कर रहे हैं, बेड रेस्ट कर रहे हैं. और ये सारे इसके क्या है, ब्रिक्स है. और जैसे दरवाजा खोल के बाहर जाएंगे तो ये मिलेगा आपका पूरा हवा, एकदम बेहतरीन बगीचा हो, एकदम जो भी है बेटा, इसके बाहर एकदम पूरा हवा. तो जो लल्लन जहां पे अंदर है, उस अंदर वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सिस्टम. क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टम बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सिस्टम. और जो ये हमारा दीवाल होता है, इस दीवाल को बोलते हैं हम लोग बाउंड्री. कहते नहीं भैया बाउंड्री बनवा लो, क्या कर लो, बाउंड्री बनवा लो भैया, जिससे हम लोग अलग अलग हो जाएं. ठीक है, तो घर में इसमें बाउंड्री हो जाता है जब लड़ाई झगड़े होते हैं. और इस बाउंड्री के जो बाहर है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा, ये वाले पोर्शन को इसको बोलते हैं सराउंडिंग. क्या बोलते हैं बेटा, सराउंडिंग, सराउंडिंग. तो ये जो टर्म्स हैं, सिस्टम और बाउंड्री और सराउंडिंग, इसको याद रखिएगा. सराउंडिंग में आपका एटमॉस्फियर आ जाएगा, क्योंकि बाहर आप दरवाजा खोल के निकलेंगे तो एकदम खुला पाएंगे तो बोलेंगे अरे भैया ये तो मैं एकदम ओपन एटमॉस्फियर में आ गया. तो वो दैट इज सराउंडिंग. और जो आपका वॉल होता है बाउंड्री, उसी को बाउंड्री. और बाउंड्री ये कह सकते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग को डिवाइड कर देता है, बंटवारा कर देता है. क्योंकि दीवार जब खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, आप अंदर रह जाएंगे, बाहर वाली पोर्शन बाहर रह जाएगी. तो बाउंड्री मतलब ये होता है कि जो बंटवारा करता है, किसका, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बंटवारा कर देता है, डिवाइड कर देता है. तो सिस्टम अंदर वाला पोर्शन, बाउंड्री वो होता है कि जो दीवाल बने होते हैं, और सराउंडिंग इस बाउंड्री के बाहर का पोर्शन. ऐसे बाउंड्री कह सकते हैं सिस्टम और सराउंडिंग को, ये डिवाइड करता है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप क्या करिएगा बेटा, लर्न रखिएगा. ठीक है, कि सिस्टम क्या होता है और बाउंड्री क्या होता है और हमारा सराउंडिंग क्या होता है. ठीक है, यूनिवर्स एक टर्म्स आता है, यूनिवर्स तो उसमें सब ऐड हो जाता है पूरा. ठीक है, पूरा ब्रह्मांड. तो ये आप थोड़ा सा टर्म्स हैं जो इसको आपको रिमेंबर याद रखना पड़ेगा. उसके बाद इसमें क्या आता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स कुछ लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो डायनामिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो बेटा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है उसमें कहीं है एक जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. वैसे जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया या जीरोथ लॉ जो आया वो फर्स्ट और सेकेंड लॉ के बाद में आया. लेकिन क्या है कि जीरोथ लॉ ने टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, और जिसका यूज आपका फर्स्ट और सेकेंड लॉ में लगा था. इन्होंने कहा कि हमने इन्वेंट किया, बाद में इसको इन्वेंट डिस्कवर किया जीरोथ लॉ को, लेकिन बाद में इसको देखा गया कि फर्स्ट और सेकेंड लॉ इस पर डिपेंड है, तो इन्होंने इसको सबसे पहले रख दिया. तो जीरोथ फर्स्ट सेकेंड के बाद बना था, लेकिन डिपेंडेंसी इस पर ज़्यादा थी टेम्परेचर का या जीरोथ लॉ का. इन्होंने कहा भैया पहले यही रख दो, क्योंकि पहले ये फिर ये मान लो. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज जो स्टडी करेंगे बेटा वो जीरोथ लॉ का करेंगे. किसका करेंगे, जीरोथ लॉ का करेंगे. लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो जीरोथ लॉ का करेंगे. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, इन्होंने क्या बोला, ये देखिए उन्होंने क्या बोला, छोड़िए देखिए अब मामला देखिएगा. ये है बेटा हमारे लल्लन, ये है लल्लन. ठीक, और ये है बेटा चुन्नू, और ये जो है बेटा ये मुन्नू.
ये जो है मुन्नू, तो ये बेटा चुन्नू है और ये आपके मुन्नू है, और नीचे जो है बेटा आपके कौन से हैं, ये लल्लन है। अब क्या करेंगे, चुन्नू ने अपना हाथ, ये किसका हाथ है बेटा, लल्लन, और ये चुन्नू का है। चुन्नू ने अपना हाथ दे दिया किसको, लल्लन को, और मुन्नू ने भी अपना एक हाथ दे दिया लल्लन को। ये चुन्नी के चुन्नू जो है, सॉरी ये जो हमारे लल्लन है, लल्लन का जो टेम्परेचर है वो 60°C है, चुन्नू का जो टेम्परेचर है इसके बॉडी का वो 30°C है, और मुन्नू का जो टेम्परेचर है वो बेटा 35°C है। लेकिन इन्होंने क्या किया, लल्लन ने अपना एक हाथ पकड़ लिया चुन्नू को और एक हाथ पकड़ लिया चुन्नू को। अब मैंने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि हीट का मोशन होगा, और हीट का जो मोशन होगा बेटा वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगा। तो हीट क्या होगा, ट्रांसफर होना स्टार्ट करेगा, इसका ज्यादा टेम्परेचर है 60°, तो इसके अंदर लल्लन की हीट कुछ मुन्नू में चली जाएगी और कुछ किस में चली जाएगी, चुन्नू में, और ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक टेम्परेचर लल्लन का, टेम्परेचर चुन्नू का और टेम्परेचर मुन्नू का इक्वल ना हो जाए। और जब ये तीनों टेम्परेचर, तीनों लोग का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, जो टेम्परेचर लल्लन का है वही टेम्परेचर चुन्नू का होगा, वही टेम्परेचर मुन्नू का होगा, तो अगर ऐसे सिचुएशन आ जाएगा तो ये कहा जाएगा कि ये इक्विलिब्रियम में, किससे है बेटा, इक्विलिब्रियम में। और यही जो स्टेटमेंट था, यही स्टेटमेंट बताया गया है किसमें बेटा, जीरोथ लॉ में, यही स्टेटमेंट बताया गया जीरोथ लॉ में। इन्होंने क्या बताया, जीरोथ लॉ में इन्होंने यही बताया कि अगर आपके पास कोई एक बॉडी है जिसका नाम आपका सी है, और उसका कनेक्शन जो है बॉडी ए से है, ये कनेक्शन, और उसका कनेक्शन इसी सी का कनेक्शन एक दूसरी बॉडी बी से है, तीनों के टेम्परेचर अलग अलग है, दोनों तीनों टच कर दिए एक दूसरे तीसरे को, एक दूसरे तीसरे को, लेकिन कुछ टाइम बाद देखा गया कि ये तीनों का टेम्परेचर सेम आ गया, जो सी का है वही किसका है, ए का है, वही किसका होगा बेटा, बी का होगा। तो यही स्टेटमेंट बताए थे कौन, जीरोथ लॉ, तो तब तक इसमें हीट ट्रांसफर होगा, हीट मोशन में रहेगा जब तक तीनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। और यहां पर यह बताया गया था कि जब ये इससे टच है तो टी ए किसके इक्वल होगा बेटा, टी सी के, और जब ये इसके इक्वल है तो टीबी किसके इक्वल होगा बेटा, टीबी किसके इक्वल होगा, टीसी से, रहेगी नहीं है। तो अब इधर देख लीजिए, क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से आप देख सकते हैं, मैं मैथमेटिकल्स बना दे रहा हूं, कि टी ए टी सी के बराबर है, टीबी टीसी के बराबर है, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि टी ए और टीबी भी क्या होंगे बेटा, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि बुक में यही लिखा होता है टी ए और टीबी, क्योंकि इसका आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो मैथ्स में राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। इन्होंने यही स्टेटमेंट बता रखा है, बहुत सारे बुक में यही लिखा होगा कि अगर ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो कुछ टाइम बाद देखा जाएगा ए बी भी किस में होंगे बेटा, इक्विलिब्रियम में होंगे। यही जीरोथ लॉ बताया गया था, जीरोथ लॉ यही बताया था, जीरोथ लॉ ने यही बताया था कि अगर ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए बी भी इक्विलिब्रियम में होंगे कुछ टाइम बाद। वो क्यों होंगे, बिकॉज हीट ट्रांसफर होगा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये ध्यान दीजिएगा। तो जीरोथ लॉ ने यही स्टेटमेंट बताया था, यही स्टेटमेंट लिखा होगा, ठीक है, और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जीरोथ लॉ ने यही बताया था बेटा, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए जीरोथ लॉ में, आप मन कहे तो राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए बेटा आप लोग। ठीक है, समझ में आएगी नहीं बताइए, आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने थर्मोडायनेमिक्स बताया, क्या बताया, थर्मोडायनेमिक्स, कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, और उसमें थोड़ा सा टर्म्स यूज होते हैं सिस्टम और बाउंड्री और सराउंडिंग का, तो उसको भी बता दिया कि जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, जिसके अंदर हम काम करते हैं,
वो हो जाता हमारा एक सिस्टम। जैसे आप गवर्नमेंट का भी एक सिस्टम है तो वो एक डिफाइन एरिया में ही, तो डिफाइन एरिया में जो चीज़ कन्फाइन होता है तो उसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हम लोग काम करते हैं। और चारों तरफ जो दीवार होगा वो दैट इज़ बाउंड्री, और दीवार के बाहर जो होगा वो दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। ये चीज़ें होती हैं बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। तो जीरोथ ला ने जो बताया है एक्चुअली वो किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है, टेम्परेचर्स के बारे में। ये ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर ने पूछता है या आपके कंपटीशन में छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इन्होंने टेम्परेचर ओनली, मतलब सिर्फ टेम्परेचर के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है। तो अगर पूछा जाए कि जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा लॉ है, जीरोथ, फर्स्ट या सेकंड, जिसने टेम्परेचर के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया, तो टेम्परेचर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं बेटा, उनका जो नाम है वो जीरोथ लॉ है। क्या है बेटा, उनका नाम जीरोथ लॉ है। और किस पे डिपेंडेंसी इसकी, टेम्परेचर्स। और उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने यही बताया था कि बॉडी मेरी अगर सी है, ये ए के साथ अगर इक्विलिब्रियम में है और ये अगर बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो कुछ टाइम बाद क्या, मतलब टी सी टी ए के साथ इक्विलिब्रियम में, क्वेश्चन फर्स्ट, और ऐसे लिख दो टी ए इक्वल टू टी सी, और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड से देखेंगे टी ए बी भी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में होगा। यही किसने बताया था बेटा, यही इन्होंने बताया था, जीरोथ लॉ ने बताया था, और इनका टेम्परेचर के बारे में इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपका जीरोथ लॉ और थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और उसके अंदर का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, उसको आप अच्छे से समझिएगा, देन आपको बहुत ईज होगा समझने में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, थैंक यू।